हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस COVID-19 पैंडेमिक में आप लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। आज मैं आप लोग के साथ अपना अ फुल डे इन माय लाइफ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अर्ली मॉर्निंग से लेके नाइट टाइम तक का जैसे मेरा पूरा दिन जाएगा बच्चों के साथ, वैसे आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो में कनेक्टेड रहिएगा। आज मैं मॉर्निंग में 5:45 पे जगी थी और आज ठंडा बहुत है तो मैंने फायरप्लेस ऑन कर दिया है और अराउंड 6 बजे हैं अभी सुबह के। मैं अपना बेसिक मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं 5 से 6 अपने जो सोक्ड बादाम हैं वो खा लूँगी अभी। और मेरी दोनों बेटियां अभी सो रही हैं, हस्बैंड जगे हुए हैं, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर मैं अपना किचन का थोड़ा काम धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं लंच की सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी। चाकू मेरा थोड़ा शार्प नहीं था तो उसको मैं आराम से शार्प कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करूँगी। और ये आइकिया से मैंने शार्पनर लिया था, तो मैंने भिंडी जो है वो कल कट करके इस तरह से पेपर टावल लगा के रख दी थी। कल मैंने जब दिन में बच्चे खेल रहे थे थोड़ा सा टाइम मिला, तो भिंडी को मैंने पानी में थोड़ा सा विनेगर डाल के अच्छे से धो के पेपर टावल पे एयर ड्राई कर लिया था। और उसके बाद उसको चॉप करके भिंडी को एक डब्बे में डाल के और पेपर टावल लगा के रखा था। तो इस तरह से जो मेजर काम है अगर भिंडी का हो जाए तो भिंडी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अभी बस मुझे अनियन चॉप करनी है और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज चॉप कर लूँगी। ऑल्सो कल भिंडी का काम किया तो साथ में मेथी जो है उसको भी मैंने साफ़ करके एक दूसरे डब्बे में एक पेपर टावल बेस पे लगा के और रख दिया था, क्योंकि मेथी को भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था 3-4 बार, क्योंकि उसमें मिट्टी हो सकती है। और उसको अच्छे से वॉश करके और उसको चॉप करके मैंने मेथी के पराठों के लिए एक डो बना लिया था, जो मैंने डिनर में यूज़ किया था। और लेफ़्ट ओवर जो था उसको मैं पराठों के लिए यूज़ करूँगी अभी मॉर्निंग में। तो ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं बना लेती हूँ लंच, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं अभी, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है पैन में और उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे चाहिए पहले मैं वो निकाल के रख लेती हूँ। अनियन गोल्डन ब्राउन हो गई, उसके बाद मैंने चॉप भिंडी जो है उनको ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैं मिक्सअप कर दूंगी, थोड़ा ऑयल कोट हो जाए भिंडियों के ऊपर। इसके बाद मसाले ऐड करूंगी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले डाल के और इसको मैं अब अच्छे से चलाऊँगी, सो दैट सारे मसाले भिंडी के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाए और भिंडी ज़्यादा टेस्टी बने। और नेक्स्ट मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट स्टार्टिंग में भी ऐड किया था, गिव इट अ गुड मिक्स। और उसके बाद लिड ढक के इसको कुक करूंगी। ऑल्सो डिशवॉशर फिल नहीं हुआ था रात को, तो अभी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो डाल के और डिशवॉशर भी ऑन कर देती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, एक दो बार इसको चला दें बीच में और फिर से लिड ढक दें तो बहुत जल्दी जो है सब्ज़ी हो जाएगी। साथ ही मैं लंच के लिए जो आटे का डो है वो भी रेडी कर लेती हूँ। अगर बच्चे सो रहे हैं तो मैं उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ और मैं आटे का जो डो है वो तैयार कर लूँगी और लंच और डिनर दोनों में हो जाए उस हिसाब से मैं आटे का डो मारूँगी। आप लोग देख सकते हो मेरे कुकिंग स्टोव में टाइम हुआ है 6:59 और आटे का डो भी रेडी हो गया है। ऑल्सो भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो गैस मैं बंद कर दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करूंगी एंड थोड़ा सा मिक्स करके इसको फिर से मैं लिड ढक दूंगी और इस तरह से मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। थोड़ा सा बाहर का व्यू लूँगी, मुझे सुबह सुबह इस तरह से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रेशनेस और एनर्जी फील होती है, तो बाहर अच्छी हवा चल रही है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग फॉर अ शावर।
सो शावर लेके भगवान जी के आगे जल्दी से हाथ जोड़ के मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। मैं शावर लेने जाने से पहले ना चाय बनाने के लिए रख गई थी, तो चाय बन गई है और गैस बहुत कम करके गई थी, तो चाय मेरी खौल गई है और अब उसको मैं एक उबाल और आने के लिए वेट करूँगी। ऑल्सो साथ ही मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे। आज बहुत ठंड है और इस हिसाब से गर्मा गर्म अगर मेथी के पराठे मिलें तो बहुत हमारी बॉडी को वार्मनेस देती है मेथी, और गुड फॉर हेल्थ तो है ही। मेरी बेटी को मेथी के पराठे बहुत पसंद हैं तो इसीलिए मैं यूजुअली बनाती रहती हूँ। तो मैं इसे दही के साथ और थोड़ी सी चीनी डाल के अपनी बेटी को सर्व करूँगी और थोड़ा सा बटर डाल दूंगी, उसको गरम पराठों के साथ बटर खाना पसंद है। और अपनी चाय भी यहाँ पर छान लेती हूँ, तो हमारी अदरक वाली चाय जो है वो मैं छान लूँगी दोनों कप्स में। सो इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो डन हो जाएगा। तो गर्मा गर्म चाय हो गई है ब्रेकफास्ट में, मेथी के पराठे हैं और हस्बैंड और मैं थोड़ा सा पिकल ले लेंगे साथ में चाय और पराठे। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था आटे का डो रेडी कर दिया है, तो डो सेट हो गया है। इसको मैं एक एयर टाइट डब्बे में रख दूंगी अभी फ्रिज में, क्योंकि अभी लंच बनाने में टाइम लगेगा रोटियां बनाने में। मेरी बेटी छोटी वाली जग के आ गई है और थोड़ी देर उसको मैं पैम्पर करूंगी, हम लोग उसको खिलाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट होगा क्योंकि हम तीनों का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये दोनों यहाँ पर खेल रही हैं, मीनवाइल मैं अपनी छोटी बेटी का ब्रेकफास्ट जो है वो जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि अभी उसके 2-3 दांत ही आए हैं, ज़्यादा आए नहीं हैं, तो वो पराठा च्यू नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट ही बनाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं किचन में और उसके लिए कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ। तो मैंने एक एवोकेडो लिया, उसको हाफ स्लिट कर लिया है। एवोकेडो जो है वो अच्छे से राइप था और उसको मैं स्कूप कर लूंगी एक स्पून की हेल्प से, और थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी बहुत ही कम, और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स से अच्छा फ्लेवर आएगा, सम सॉल्ट एंड सॉल्ट डालने के बाद कुछ लेमन ड्रॉप्स, लेमन थोड़ा ही डालूंगी, बहुत खट्टा हो जाएगा तो वो नहीं खाती है। इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। और ये वाले ब्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं, सारा ली के हनी वीट ब्रेड हैं, ये ब्राउन ब्रेड हैं, तो इनको मैं थोड़ा बटर कोट करके या फिर घी कोट करके इसमें सैंडविच मेकर में इनको मैं सेक लूँगी, 50-60% सेक लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी। तो मैंने ये इस तरह से सेक लिए हैं, अब बस मैं सैंडविच मेकर बंद कर दूँगी कि ज़्यादा टाइट ना हो जाए ब्रेड। और दोनों ब्रेड्स को लेके मैं वो जो मैंने मिक्सचर अभी रेडी किया था एवोकेडो का, उससे कोट करूँगी। तो हाफ स्लाइस पे इस तरह से मैं मिक्सचर कोट कर दूँगी और इसको एक पॉकेट की फॉर्म में बंद कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, ब्रेड जो है उसकी सैंडविच काफ़ी सॉफ्ट सी और थोड़ी सोगी सी बनेगी, जिससे खाने में ईजी रहेगा बेबी को। तो दोनों ब्रेड्स पे हाफ हाफ साइड में मैंने इस तरह से एवोकेडो का मिक्सचर कोट कर दिया है और दोनों को इस तरह की पॉकेट की फॉर्म में सैंडविच जैसी बना के थोड़ी देर मैं रख दूंगी कैसरोल में, एटलीस्ट 5 मिनट्स, और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी उसको खाने के लिए। सो यहाँ पर मेरी बेबी का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और जगने के बाद मैंने उसे काओ मिल्क ऑफ़र किया था, तो अभी वो ब्रेकफास्ट कर रही है। ब्रेकफास्ट के साथ मैं मिल्क नहीं देती हूँ, वाटर ही देती हूँ, बट हाँ जगने के बाद वो दूध पीती है थोड़ा सा। तो उसको पसंद है एवोकेडो की सैंडविच, तो मैं वीक में 2 से 3 बार बना देती हूँ। सो फैमिली में चारों लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, टाइम हुआ है अराउंड 9:35 और इस तरह का वेदर है कुछ डल सा, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है सुबह से।
और अभी मैं अपनी बड़ी बेटी को उसके गमीज़ दे दूंगी। तो ये चिल्ड्रंस के कंप्लीट मल्टी विटामिन गमीज़ हैं जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, क्योंकि वो बहुत पिकी ईटर है इस वजह से। दोनों खेल रही थी थोड़ी देर, इसके बाद इनको शावर के लिए ले जाऊंगी। उससे पहले डिशवॉशर खाली कर देती हूँ। पहले सिया को नहलाया और उस टाइम पे भूमि को मैंने हाई चेयर में बिठा दिया था बेल्ट लगा के बाथरूम के सामने ही, और सिया रेडी हो गई है। और जब बच्चे नहा के फ्रेश हो जाते हैं तो खुद को इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सारे काम एक तरफ और बच्चे नहा धोकर फ्रेश जब फील करते हैं तो मदर को बहुत फ्रेश फील होता है। तो बस दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं और इसके बाद थोड़ी देर ये लोग खेलेंगे और मैं कुछ कुछ अपना जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करूँगी। गुड जॉब। बस 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 धीरे 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 धीरे। और केले काफ़ी अच्छे से पक गए थे तो केले ख़राब ना हो जाएं, इसलिए सब लोगों ने मिड मील स्नैक में केला ही खाया। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेक ली हैं। वेदर अभी भी थोड़ा सा डल सा ही है, बादल हो रखे हैं। तो ये है मेरा लंच, सैलड है, दो रोटियाँ हैं और भिंडी की सब्ज़ी मैंने वार्म कर ली थी। लंच करने के बाद फिर से दोनों खेल रही हैं, दोनों को लंच करा दिया है मैंने। तो मैं किचन थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। और मैं अपनी छोटी बेटी का लंच कैप्चर करना भूल गई, उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी मिक्स वेज वाली, और उसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की हुई है चैनल पे, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे। तो थोड़ा मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। फ्लोर काफ़ी गंदा हो गया था, सुबह से काम होते होते कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो फ्लोर को मैं पहले झाड़ू से वाइप कर देती हूँ और उसके बाद क्लीनिंग स्प्रे करके उसके बाद एक मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लोथ है उससे पोंछ देती हूँ। कमिंग ऑन टू द लिविंग एरिया, यहाँ पे भी ये लोग खेल रही थी तो काफ़ी फैलता ही रहता है बच्चों का सामान, तो थोड़ा मैं भी लगूंगी और दोनों को साथ में लगाऊंगी और इस तरह से हम कर लेंगे यहाँ पर क्लीन अप। और लिविंग एरिया थोड़ा साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ क्लीन लगने लगता है एक बार लिविंग एरिया साफ़ हो जाता है। तो और टाइम हो गया है अराउंड 1:25, मेरी छोटी बेटी सो चुकी है और अब वो लंबा सोती है क्योंकि मैंने उसको पूरे दिन में सिर्फ एक नैप अब रखा है। पहले वो दिन में दो बार सोती थी लेकिन अब वो एक बार ही सोती है, तो अराउंड वो 2.5 से 3 घंटे सोती है। और ये जो टाइम होता है ये मैं स्पेंड करती हूँ अपनी बड़ी बेटी सिया को होम स्कूलिंग करने में। तो मैंने उसके लिए कुछ कुछ बुक्स ले रखी हैं, कुछ मैं नेट से देखती हूँ, तो इस तरह से मैं उसको होम स्कूलिंग करती हूँ। कभी मैथ्स पढ़ाती हूँ, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, इस तरह से रोटेट करते हुए चीज़ें पढ़ाती हूँ। और ये जो टाइम है ये अच्छे से यूटिलाइज होता है उसको पढ़ाई करने में। और अभी टाइम हुआ है अराउंड 3 बजे हैं, पढ़ाई हमारी हो गई है। वाओ, कहाँ पे है? रुको, ये रे। टमाटर तो ये। गुड जॉब। यू लव इट? और भी है देखो, और चेक करते हैं। ये रहे, सी, कैन यू सी इट? जो रेड होते हैं वो परफेक्टली राइप्ड होते हैं, उनको तोड़ना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भिंडी देखें, अगर भिंडी आई हुई हो तो। भिंडी तो अभी कोई छोटी छोटी सी है सारी। सो ये है हमारे आज के फ्रेश टमेटोज जो कि हमने हार्वेस्ट किए हैं।
तो ये सारे टमाटोज हैं और जो फ्रेश टमाटर जो होते हैं उसकी जो अलग ही ताजगी होती है, मतलब देखने से ही इतने ग्रीन रेड से, वाह। चलो पापा को दिखा के आते हैं, चले आप दिखाना पापा को, देखो पापा हमने टमाटोज तोड़े, ठीक है। अब और टमाटर हो गए हैं तो हम Wow, so little tomatoes. Wow, it's so yummy. Yummy. सो हमने टमाटर भी तोड़ लिए हैं गार्डन से और अभी मेरी बेटी को भूख लगी है क्योंकि उसने पढ़ाई भी करी और थोड़ा सा मस्ती भी कर ली, तो अभी मैं उसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने एक बनाना लिया है और मैंने लिया है एक कप से थोड़ा सा कम दूध, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हनी और उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और अभी अराउंड 4 बज गए हैं और मेरी छोटी बेटी भी जगने वाली होगी और मैं अपनी चाय बनने के लिए रख देती हूँ यहाँ पे। सो मैंने चाय पत्ती ऐड करी है, थोड़ी काली मिर्च ऐड की हैं और अदरक क्रश करके ऐड कर दिया है। सबको एक बार खौला लूँगी, उसके बाद इसमें 2 छोटे कप दूध ऐड कर दूँगी और उसके बाद 2 चम्मच चीनी और इसको अच्छे से खौला लूँगी। चाय जब तक अच्छे से खौले ना तो उसका फ्लेवर नहीं आता है, सो चाय को पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी बनती है यमी सी चाय। सो मेरी छोटी बेटी भी जग गई है, जगते ही तो वो कुछ नहीं लेती है तो मैं सिंपली उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पिलाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगी थोड़ा दूध और कुछ स्नैक्स खिलाऊंगी इसको। अभी दोनों बहनें यहाँ पर खेल रही हैं और हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, थोड़ी देर इन लोगों के लिए टीवी चला दूंगी, थोड़ी देर टीवी देख रही हैं। मीनवाइल मैं जल्दी से जाती हूँ किचन में और डिनर की तैयारी जो है वो शुरू कर देती हूँ। सो डिनर में मैं अपनी बड़ी बेटी सिया के लिए पनीर के पराठे बनाऊंगी और गाजर ग्रेट करूंगी, छोटी वाली के लिए गाजर ग्रेट करके गाजर वाला उपमा बनाऊंगी, वो खा लेती है अच्छे से। इसके अलावा मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए कुछ नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी एक टिफ़िन भर के रखी है और दूसरे वाले टिफ़िन में एक मैंने करी बनाई थी कल, वो भी रखी हुई है। आटा मैंने सुबह माड़ी लिया था एक्स्ट्रा और लंच में मैंने सैलड भी एक्स्ट्रा कट कर लिया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मुझे रोटियां सेकनी हैं, अपनी बड़ी बेटी के लिए पराठा बनाना है और छोटी वाली के लिए उपमा बनाना है, ये सारा काम करना है। यहाँ पर मैंने सिया की चोटी बनाई है क्यूट सी, जो कि उसको बहुत पसंद आई है। सो सबसे पहले उपमा की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लिया है, ऑयल जब गर्म हुआ तो मैंने उसमें हींग ऐड की है, उसके बाद मैंने मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं और मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होंगे, उसके बाद मैंने अनियन ऐड की है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है सो दैट अनियन जल्दी भुने और इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रेटेड गाजर जो मैंने ग्रेट की थी, उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी सो दैट गाजर का जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। और गाजर मैंने बहुत ही फाइन ग्रेट की है, इससे इसको पकने में काफ़ी आसानी होगी। और मसालों में मैं वो सारे मसाले डालती हूँ जो हम खाते हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर और पिंच ऑफ गरम मसाला, तो सारे मसाले इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ मैं अपनी बेबी को। और देखिए रेड चिली कितनी कम डाल रही हूँ मैं, तो बहुत ही थोड़ी ऐड करती हूँ, ज़्यादा मसाले बच्चों के टमी में गैस और जलन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत ही थोड़े थोड़े पिंच से भी बहुत कम कम मसाले मैं डालती हूँ सो दैट फ्लेवर भी आए। और 1/8 कप मैंने यहाँ पर रोस्टेड रवा लिया है, उपमा रवा, वो ऐड कर दूंगी इसके साथ, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए सॉटे करूंगी सो दैट रवा जो है वो अच्छे से थोड़ी सी और भुन जाए। वैसे तो ये रोस्टेड ही है लेकिन थोड़ी सी और अगर रोस्ट कर लो, चला लो तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद इसी कप से मैं 6 से 7 कप पानी ऐड कर दूंगी इसमें, ये अंदाज़ा है इसका, जिससे मैंने उपमा लिया था रवा जो, उससे 6-7 कप्स उसी से मेजर करके पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट हमने अनियन में भी ऐड किया था, और इसको मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी।
मीनवाइल जल्दी से पनीर के पराठों की प्रिपरेशन कर देती हूँ। थोड़ा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हींग पाउडर, सॉल्ट और चाहें तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर लें, फ्रेश हरा धनिया। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और हाँ, यहाँ सॉल्ट डाल रही थी मैं, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी। गिव इट अ गुड मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी पनीर के पराठों की स्टफिंग जो है वो यहाँ पर रेडी हो गई है। और जब हम लोग अपने लिए बनाते हैं तो हरी मिर्च वगैरह भी डालते हैं। और ये देखिए, उपमा एकदम रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसको सॉफ्ट ही रखा है, ज़्यादा ड्राई नहीं किया, सो दैट मेरी बेबी को खाने में ईजीनेस रहे। और गैस मैं बंद कर दूँगी और थोड़ी देर इसको फिर से ढक के छोड़ दूँगी, थोड़ा और सेट हो जाएगा। तो यहाँ मेरी बेटी का पराठा रेडी हो गया है, गर्मा गर्म पराठा। मैं उसे थोड़ी सी दही के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे मैं शाम को दही अवॉइड करती हूँ, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही थी कि दही दे दो, तो मैंने थोड़ा निकाल दी थी फ्रिज से और रूम टेम्परेचर पे करके उसके बाद उसको मैंने दही दी है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड करके। एंड उसको पराठे खाना बहुत पसंद है। टाइम हुआ है अराउंड 6:30, तो हमारा जो डिनर है वो 6:30 से 7 o'clock के बीच में हो जाता है। तो अब मैं अपनी छोटी वाली बेटी को भी खिलाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए बना दिया था ये उपमा गाजर वाला, और वो अच्छे से खा लेती है इसको। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए इस तरह से किसी भी वेजीज़ वगैरह को ऐड करके। तो बच्चों को अगर अपने घर के जो सारे मसाले हैं थोड़ा थोड़ा ऐड करके उनको खिलाया जाए तो फ्लेवर आता है। एकदम ब्लेंडेड खाना भी, एकदम ब्लैंड खाना कोई टेस्ट ही ना हो, वो भी बच्चे अच्छे से नहीं खाते हैं, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो अब उसको खिला देती हूँ मैं। और ये है मेरा डिनर। भिंडी की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ले ली है, और अरबी की करी बनाई थी वो मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं। तो डिनर मेरा हो गया है और अब मैं क्विकली जो किचन है उसको क्लीन कर देती हूँ। रात के टाइम पर मैं बहुत ही क्विक क्लीनिंग करती हूँ किचन की। सो टाइम हो गया है अराउंड 8 बज गए हैं रात के, और बच्चों को सोने ले जाने से पहले मैं काऊ मिल्क ऑफ़र करती हूँ, तो दोनों दूध पी चुकी हैं। एंड इट्स टाइम फॉर स्लीप एवरीवन। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।